उत्तराखंड समाज का मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक विजय सिंह नेगी ने बताया कि कार्यक्रम में समाज के कई लोगों ने सम्मिलित होकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। सरकार ने पूर्ण भरोसा दिलाया कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करके वहां पर स्वरोजगार एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। देश दिखी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। राज्य से पलायन रोकने पर हुआ विचार मंथन। प्रवास उत्तराखंडी समाज ने रविवार को प्रवासी उत्तराखंडी समाज की ओर से मेरा गांव मेरा तीर्थ चलो गांव की ओर प्रवासी पंचायत का आयोजन बद्रीनारायण मंदिर शिवनगर साउथ टीटी नगर में किया गया। इस दौरान उत्तराखंड से हो रहे पलायन को रोकने पर विचार मंथन हुआ। इस दौरान समाज के 35 बच्चों और कलाकारों ने उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड से लगातार हो रहे पलायन को रोका जाए और वहां के लोगों को अपनी जन्मभूमि से जोड़ा जाए था। सम्मेलन में मौजूद उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वरोजगार की व्यवस्था का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय आदि भी मौजूद थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए इस मौके पर। गढ़वाली कुमाऊं समाज के बच्चों ने उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान उत्तराखंड की वेशभूषा में वहां के लोकगीतों पर सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के संयोजक विजय सिंह नेगी और सुरेश कर्नाटक ने बताया कि इस दौरान 4 समूह नृत्य की प्रस्तुति हुई। प्रवासी उत्तराखंड समाज का संयोजक हूँ और आज का जो कार्यक्रम है हुआ वो सब हम लोगों के नेतृत्व में हुआ है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। समाज के सभी लोग, छोटे बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग, सारे लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया और हमारे जो भी अतिथि थे, मुख्य अतिथि अतिथि थे, वो सब लोगों ने यहाँ पर आकर सम्मेलन को संबोधन किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय सुबोध उनियाल जी उत्तराखंड राज्य से भोपाल में पधारे हुए थे। सुबह 12 बजे से और 4 बजे तक उन्होंने पूरे कार्यक्रम का आनंद लिया और उत्तराखंड के लोगों को भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से रामनगर नैनीताल बदलने के लिए हमारे लोगों को ट्रेन बदलनी पड़ती थी दिल्ली से, उस वहाँ से भोपाल से और दिल्ली तक और दिल्ली से रामनगर नैनीताल के लिए जो ट्रेन जाती थी वहाँ हमारे को दूसरी ट्रेन बदलनी पड़ती थी और उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता था। उस ट्रेन को चलाने के लिए उनने कहा है कि मैं खुद उत्तराखंड जाकर अपने धामी जी से कह के और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी से कह के भारत सरकार से उस ट्रेन को भोपाल से रामनगर तक चलाने का उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि उसको मैं पूरा करूँगा। ये उन्होंने सम्मेलन के प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को अपना संदेश दिया। कहीं ना कहीं आज बात आपकी गांव से पलायन करने पे बात विषय चर्चा रहा है, उस पर क्या विषय पे बात हुई आपकी? उस विषय पे ये बात हुई है कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में जो स्वरोजगार के जो साधन है, स्वरोजगार के साधन वहाँ पे होने के लिए उन्होंने प्रयास करने का वचन दिया है कि हम स्वरोजगार का योजना का लाएंगे वहाँ पे। और जो प्रवास वहाँ से प्रवासी उत्तराखंड से प्लान कर रहे हैं, वो लड़के जो प्रदेश में आके 5-7-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उनको वहीं साधन जुटाएंगे और ताकि वहाँ प्लान रुके, ये उनका है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सब चीज़ों के बारे में भी समाज के लोगों ने उनको यहाँ पर अनुरोध किया है कि वो लोग वहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जिसकी वजह से वहाँ उत्तराखंड से प्लान हो रहा है। तो उस पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूर आप लोगों की बातों को वहाँ पर रखा जाएगा और हम सरकार से उम्मीद करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि भोपाल में प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा प्रवासी पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आप लोगों का मेरा गांव मेरा तीर्थ चलो गांव की ओर स्लोगन बहुत पसंद आया है। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन पूरे देश में फैलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। आप लोगों का इस तरह का यह पहला आयोजन है, इसके लिए मैं
उत्तराखंड की जनता की ओर से आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह के आयोजन से हमारी आने वाली नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी संस्कृति को सजोने की प्रेरणा मिलेगी।